नमस्कार दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम लोग टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने निगेटिव बना लिया ऑल 12 टेंसेस का। उसके बाद हमने क्वेश्चन टैग भी देखा था, क्वेश्चन टैग दोस्तों। और सबसे पहले तो हम लोग ऑल 12 टेंसेस देखे थे एक सेंटेंस को, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाना सीखा। तो दोस्तों, एक सवाल क्रिएट होता है कि क्या हम किसी भी सेंटेंस को सिर्फ यस नो ही क्वेश्चंस बना सकते हैं, या और एक सेंटेंस से, जैसे मैंने अधिकृत सेंटेंस लिखा होगा, सपोज ही इज टीचिंग अ स्टूडेंट, तो क्या सिर्फ इज ही टीचिंग अ स्टूडेंट, या डज ही टीचिंग अ स्टूडेंट, हैज ही टॉट अ स्टूडेंट, हैज ही बीन टीचिंग अ स्टूडेंट, क्या सिर्फ यस नो ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? यदि रिप्लाई में आता है नो, यदि आप भी चाहते हैं कि इसका आंसर नो में हो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को के अंत तक बने रहे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कुछ और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस। हम कैसे टेंस बेस्ड सेंटेंस को यस नो क्वेश्चंस के अलावा कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं आज सीधी बातें करने वाला हूं क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो क्वेश्चन है एक सेंटेंस का काइंड्स है। मैं शॉर्टली बातें करूंगा। सेंटेंस हमको बताया गया है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पर होता है, कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है दोस्तों, मैं विस्तृत मैं अपने पूर्व वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है सेंटेंसेस के बारे में, आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़िए टॉपिक वाइज तो आपको मिल जाएगा। तो सेंटेंस के हमने क्लासिफिकेशन जो देखा था, इसमें हम लोगों को चार मिला था एज पर मीनिंग, जिसमें हमने सबसे पहले जाना था अ स्टेटमेंट, और दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में दोस्तों हमारा क्या होता है, दो, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो यहां से सवाल क्रिएट होगा कि सर, आपने तो यस नो क्वेश्चन बनाना सिखा दिया ऑल 12 टेंसेस का, लेकिन ऑल 12 टेंसेस पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन सर आपने नहीं बताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही है। न्यू व्यूअर्स के लिए जो नहीं जानते हैं अनटाइप्स क्या होता है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा होता है कमांड, जिसको हम लोग ओल्डिंग कहते थे ओल्ड के अनुसार इंपरेटिव सेंटेंस, और एक और होता है हमारा एक्सक्लेमेशन। तो दोस्तों, आपको मैं सिखाने जा रहा हूं WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस में जानेंगे WH क्वेश्चंस। तो एक सवाल यहां से कि सर, WH क्वेश्चंस क्या होता है? दोस्तों, इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिस तरह से हमने देखा था कि यस नो क्वेश्चंस क्या होता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस करते हैं जिसका रिप्लाई या तो यस में या तो नो में मिलता है। सिमिलरली जो WH क्वेश्चंस होते हैं, दैट मोस्ट ऑफ इट्स बिगिंस विद WH वर्ड्स। किससे दोस्तों शुरू होता है? WH वर्ड्स से, और WH वर्ड्स को ही हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, इसलिए इसको क्वेश्चंस वर्ड्स कहते हैं दोस्तों, WH वर्ड्स को, बिकॉज़ दोस WH वर्ड्स का मतलब होता है टू इंक्वायरी, अर्थात पूछताछ करना। दैट्स व्हाई दीज WH वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स आर आल्सो नोन एज इंट्रोगेटिव वर्ड्स।
क्या कहते हैं इसको दोस्तों? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। हम उम्मीद करते हैं यू ऑल आर फॉलोइंग मी इन बेटर और बेटर। सो व्हाट आर द डब्ल्यूएच वर्ड्स पहले आपको बोलना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेन से। वेन हो गया, यस सर। वेयर आप जानते हो, यस। हुम जानते हो, यस। विच जानते हो, यस। ठीक है, व्हाट जानते हो, यस। व्हिच जानते हो, जी सर। व्हेन जानते हैं आप, ऑलरेडी मेंशन किया जा सकता है। चलिए हो आपका हो गया, विच हो गया। चलिए कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे दोस्तों जो डब्ल्यू एच वर्ड से तो शुरुआत नहीं हो रहा है और डब्ल्यू एच वर्ड से बिगिन तो नहीं होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो गुड इन दैट ग्रुप इंट्रोगेटिव वर्ड्स एज वेल एज क्वेश्चन वर्ड्स। ऐसे में दोस्तों हमको हाउ मिल जाएगा, ऐसे में मिल जाएगा दोस्तों हाउ मच, ठीक है दोस्तों, हाउ मैनी, ठीक है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ मच हो गया, हाउ फार आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे वाट आपको मिल जाएगा, मेन मिल जाएगा, हुज हो गया, वेयर हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और भी कई सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स मिल जाएंगे, वाइटल्स, हुज, हुम, ठीक है दोस्तों। ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। और इन सब का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? एक कॉमन तो हम लोगों को छूट ही गया है, वो है हो, ठीक है, हो। ये कॉमन वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन दोस्तों? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन की शुरुआत यदि हम ये करें, जैसे कि मैं एक सेंटेंस पर लेकर मैं आपसे बातें करूं इन डब्ल्यू एच वर्ड्स को कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आंसर कर रहा हूं, गौर से आप देखिए। सी राइट्स एंड एप्लीकेशन टू हर प्रिंसिपल, ठीक है, वो अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखते हैं। फिलहाल मैं तो हम लोगों ने जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि हम लोगों ने 48 तो सीखा और मैं आपको सिखाने वाला हूं 60 and 72। तो दोस्तों आज तो मैं 72 तक सिखा ही कर जाऊंगा, इसलिए आप भी वेट करते, आप देखते रहे वीडियो को अंत तक। आज मैं जो 12 जोड़ने वाला हूं, वो जोड़ने वाला हूं सम डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं सेंटेंस को, एनालाइज कर ले। तो जो हमारा सी है वो है सब्जेक्ट समबडी। यदि इसमें किसी को दिक्कत है तो दोस्तों मैं इस पर फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं है। देखिए कितनी लंबी सेंटेंसेस का लिस्ट है। यदि आपको नहीं समझ पा रहे हो 48 तक, तो गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एंड यू विल फाइंड देयर इन गुड कंडीशन। आज हम डायरेक्टली बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच पर। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट में जिसको लिखा हूं समबडी, एंड एप्लीकेशन मैंने लिखा ऑब्जेक्ट समथिंग। अब दो सवाल यहां से क्रिएट होगा, और ये जो मेरा V5 है तो हम यस नो क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, चूंकि V5 है। मैंने बताया था एयर क्या है इसमें, डच। बिल्कुल आपने सही पहचाना, डच सी राइट। अब चूंकि मैंने इसका एयर बाहर कर दिया तब राइट नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? V1 फॉर्म में होगा। डच सी राइट एन एप्लीकेशन, क्या बात, एक एप्लीकेशन लिखती है तो हमने जाना यदि लिखती होगी या लिखती है तो हम कहेंगे यस, नहीं लिखती होगी वी कैन रिप्लाई सिंपली नो। सो दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। लेकिन हमने आपसे बातें नहीं किया था डब्ल्यू एच क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों हम आपसे बातें करने वाले हैं आज डायरेक्टली डब्ल्यू एच क्वेश्चंस पर। तो
आइए शुरू कर लेते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो दो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूं वो है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो आइए क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। जैसा कि हम लोग नाम से ही जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का वो डूअर जिसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं परफॉर्मर। सेंटेंस का वह वर्ड सब्जेक्ट कहलाएगा जो उस सेंटेंस में क्या होगा, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे मैं सपोज कहता हूं कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये सेंटेंस में कौन वर्क कर रहा है, हु इज वर्किंग इन ए सेंटेंस, तो जवाब मिलेगा आई। तो आई दोस्तों क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है ना। और यदि आप वैसे समझना चाहते हैं ग्रामेटिकली कि सर सेंटेंस क्या होता है, वो बेसिक डिफिनेशन है दोस्तों, मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करके मैं चलूंगा। यदि बिगनर्स होंगे तो आप मुझे बताइएगा कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस डिफरेंट कर पा रहे हो या नहीं, या पहचान पा रहे हो कोई भी सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट नहीं, तो फिर मैं आपके लिए एक नॉर्मल वीडियो में आपके लिए कराऊंगा। यहां पर हम सिर्फ बातें करेंगे कि जो 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 सब्जेक्ट होता है उस वर्ड को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का, यह कंपलसरी नहीं है दोस्तों व्हाट और हुम का नॉट हुम का जवाब दे। कोई भी यदि सेंटेंस का वर्ड मेन वर्ब की प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों, यदि व्हाट का जवाब देता है दैट इज द कंडीशन ऑफ समथिंग, यदि हु का जवाब देता है दैट इज इन द कंडीशन ऑफ समबडी, तो वह सेंटेंस का वर्ड सब्जेक्ट कहलाएगा। और सिंपली जो आप सीखकर आए हो डूअर इज कॉल्ड सेंटेंस, द वर्ड इन द सेंटेंस दैट परफॉर्म समथिंग एल्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और हम कह सकते हैं द वर्ड दैट रिप्लाइज द इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट और हुम इन द प्रेजेंस ऑफ मेन वर्ब दैट इज कंसीडर्ड दोस्तों सब्जेक्ट। तो आइए हम बातें करते हैं सेंटेंस पर, सी राइट्स एन एप्लीकेशन। अब यहां से क्वेश्चन करके देखो, ये हमारा चूंकि सब्जेक्ट समबडी है तो दोस्तों समबडी और समथिंग पहचानने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। समबडी कोई ह्यूमन बीइंग्स कोई पर्सन होगा, समथिंग जो थिंग्स आप चीज देखते हो, ये इसका एक एक्सेप्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे राइट। तो सबसे पहले हम बता दें किसी राइट्स एन एप्लीकेशन, ये मेरा राइट क्या है, सब्जेक्ट समबडी है। और सब्जेक्ट समबडी है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, पूछते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस फर्स्ट का जो हमारा बनेगा क्वेश्चन वो क्या बनेगा, हु Writes an application। अब दोस्तों क्या हो गया कि जो who writes an application मैंने कहा ये है हमारा WH का WH question जिसमें हमने subject somebody को कहा है। अब यही activity all tenses में कर देना है। तो आइए मैं शुरू करता हूं who writes an application जो कि एक WH question है, subject को पूछा गया है वो भी subject somebody को। तो now we can going to do that subject somebody in all tenses। So let's listen to me, let's start। She writes an application, question in simple present of subject who writes an application, continuous who is writing an application। आंसर में आपको हिंदी में मैं बता रहा हूं who writes an application पत्र कौन लिखता है, तो आंसर मिलेगा सी। यदि ही मैं कह रहा हूं तो आप अंडरस्टैंड समझेगा ही सी में, आप सब्जेक्ट देख करके। Who is writing an application? Application कौन लिख रहा है? तो once again answer मिलेगा C। Who has written an application? Application किसने लिख लिया है? या किसने कौन लिख चुकी है? तो answer मिलेगा C। Who has been writing an application? ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से similar हमको करना है किसमें? Past में। Who wrote an application? Who was writing an application? Who had written an application? Who had been writing an application? Future, who will write an application, who will be writing an application, who will have written an application, who will have been writing an application,
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट समबडी हो तो हम कह सकते हैं उसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं लिख कर देता हूं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दोस्तों ये सेंटेंस पर आपको बनाकर दिखाना है, अराउंड द सन। अब हमें बताइएगा ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन मूव करने का काम करता है, तो आपका आंसर मिलेगा द अर्थ। क्या अर्थ को हमें कोई संबड़ी है, इज इट अ ह्यूमन बीइंग, नो डियर नो, सो दैट इज द सब्जेक्ट समथिंग। और याद कीजिए जब सब्जेक्ट समथिंग होता है तो हमने ये सेंटेंस से करके बताया है व्हाट से, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट मूव्स अराउंड द सन, भाई सन के चारों तरफ क्या घूमता है, तो अर्थ, हमारी पृथ्वी, मींस प्लैनेट, प्लैनेट व्हाट मूव्स अराउंड द सन। तो ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपको यही कंडीशन वंस अगेन आई एम गोइंग टू डू इन ऑल टेंसेस। तो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं कैसे वर्क करना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हाट मूव्स अराउंड द सन, व्हाट इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम इसको यदि देखा जाए तो ग्रामेटिकली इसको कंटिन्यूअस नहीं मेंशन करेंगे, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, हम लोग स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आप बनाइएगा, बट सेंटेंस वो कंसीडर गलत किए जाएंगे। ये चीज आपको यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये मेरा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का एक मैंने सेंटेंस उठा लिया है। और यूनिवर्सल कंसेप्ट का क्या खासियत होती है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यदि हम इसको ऑल टेंसेस में करते हैं तो एज ए पैटर्न तो होगा बट मीनिंगफुल सही नहीं होने वाला है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को रिमूव कर देता हूं ताकि आप डाउट जोन में न रहे। मैं आपके लिए एक नॉर्मल सेंटेंस उठाता हूं जिसको ऑल पॉसिबल सेंस में लिखा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं दे By a car। चलिए ये सेंटेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दे बाय ए कार, यहां पर मेरा क्या आ गया, सब्जेक्ट समबडी, जी हाँ। तो जब सब्जेक्ट समबडी है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसके आधार पर करोगे हु इज बाइंग ए कार, हु हैज बाउट ए कार, हु हैज बीन बाइंग ए कार, हु बाउट ए कार, हु आर सॉरी हु आर बाइंग ए कार, हु हैड बाउट अ कार, who had been buying a car, who will buy a car, who will be buying a car, who will have bought a car, who will have been buying a car। तो ये तो सब्जेक्ट समबडी है, आप कर सकते हो। और बाकी आपको ऑल टेंसेस, नेगेटिव, क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप बना सकते हो। एक और एग्जांपल मैं लेकर देता हूं, जस्ट द दिस पेन, जो मेरे पॉकेट में पेन है दोस्तों, दिस पेन costs rupees 20। ये जो मेरा पेन है वो 20 रुपए का है। तो ये दिस पेन, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट समथिंग। और जब सब्जेक्ट समथिंग है दोस्तों किससे क्वेश्चन करेंगे, किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से। तो व्हाट costs rupees 20, ठीक है दोस्तों। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, ऑल टेंसेस में कर देना है कन्वर्ट, ठीक है। सब्जेक्ट समबड़ी पर भी मैंने एग्जांपल लेकर बताया है आपको, सब्जेक्ट समबड़ी पर भी मैंने बताया, और आप डेमो लिख लीजिए। मैं फटाफट बोल रहा हूं सेंटेंसेस को कि व्हाट कॉस्ट रुपीज थी, और कॉस्ट जो वर्ड है ये भी हमारा कॉस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये भी हम इसको
कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेंशन नहीं करते हैं। तो देख रहे हैं ना कितने कॉम्प्लिकेटेड हमें सेंटेंसेस मिल रहे हैं जिसका हम लोग कंटिन्यूअस, कौन ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं और सेंटेंसेस में लेकर आ रहा हूं, मैं हर तरह के सेंटेंस आपको करा देना चाहता हूं कि क्या हम कोई भी सेंटेंस को ऑल टेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं। अब माय मदर लक्ष्मी को हम चाहें कि ऑल टर्म सेंटेंसेस पर, तो यह संभव नहीं है बिकॉज लव वर्ड को हम लोग कंटिन्यूअस मेंशन नहीं करते हैं। तो ये वाला पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। यदि हम ये एग्जांपल लेते हैं, द फैन मूव्स फास्ट, क्या सर ये इस बार भी आप कुछ ऐसे ही हम लोगों को सरप्राइज करने वाले हैं? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई मैं सरप्राइज करने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि हर तरह से आपको सेंटेंस बनेगा। द फैन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट समथिंग है और मूव्स मेरा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। फास्ट मेरा दोस्तों एडवांस है। तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन किससे, ये ऑब्जेक्ट समबडी से। और जब ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट समबडी से, समबडी या फैन जी नहीं, क्या है समथिंग, तो आपको ध्यान देना है ना, ऑब्जेक्ट समबडी की बात हमने किया ही नहीं है, अभी तो हम लोग सब्जेक्ट समथिंग की बात किए हैं व्हाट से। और व्हाट से जब क्वेश्चन बनेगा तो आंसर होगा दोस्तों व्हाट मूव्स फास्ट। अब कंटिन्यूअस बन जाएगा व्हाट इज मूविंग फास्ट, परफेक्ट बनेगा व्हाट हैज मूव्ड फास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा व्हाट हैज बीन मूविंग फास्ट, पास्ट इंडेफिनिट व्हाट मूव्ड फास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस व्हाट वाज मूविंग फास्ट, पास्ट परफेक्ट व्हाट हैड मूव्ड फास्ट, past perfect continuous what had been moving fast, let's move to the future what will move fast, what will be moving fast, what will have moved fast, what will have been moving fast। dekha dosto aap is sentence ko kaise wh question tune par aa sakte ho, to aap is sentence ko dekha दोस्तों। एक सवाल हमारे पास आता है वो है ऑब्जेक्ट का, तो दो मैं सेंटेंस लिख देता हूं जिसको आप क्या करेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका ऑल 48 तो मैंने सीख चुका हूं, 60 बनाया जा सकता है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे शी सेंड्स मी अ मैसेज। दोस्तों ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें कहीं पर किसी का कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता हूं ये सेंटेंस को कितने तरीके से कन्वर्ट करेंगे जो अब तक हमने सिखा है। सबसे पहले इसको ऑल ड्यूअल टेंस में मेंशन कर देंगे, फिर इसका यूसलो क्वेश्चन बना लेंगे, फिर दोस्तों इसका नेगेटिव बना लेंगे, फिर इसका हम लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चन टैग बना लेंगे। और ये चूंकि सी मेरा वंस अगेन सब्जेक्ट समबडी है, तो सब्जेक्ट समबडी को हम लोग क्वेश्चन से करते हैं, तो यहां तक इसको हम बना सकते हैं दोस्तों 60 सेंटेंसेस। बात रही है 72 करने की, तो मुझे नहीं लगता है इस वीडियो में हम लोग 72 को देख पाएंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन जाने से पहले मैं एक और सेंटेंसेस लिख देना चाहूंगा जिस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, कितने सेंटेंसेस को 60 सेंटेंसेस को। एक और एग्जांपल है जस्ट लाइक माय फ्रेंड कॉल्स मी, कॉल्स मी, ये भी सेंटेंस को आप 60 फॉर्म में क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एक नया क्वेश्चन सीखा है वो है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में हमने दो आपको बताया कि सब्जेक्ट समबडी होगा तो हु से क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट समथिंग होगा तो व्हाट से करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।